तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे देखा जा सकता है कि बीती शाम लैंडफिल साइट के उपर काफ़ी ज़्यादा भयानक अग लगी। तो अग लगन के मगरों फायर ब्रिगेड कर्मी जेड़े ने मौके के उपर पहुंचे तो हले भी अग के उपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उपरों की अग के उपरों काबू पा लिता गया है, पर हेठा हले भी अग जी है लगी हुई देखी जा सकती है। तो इस जेड़े नेड़े तेड़े के इलाके के रहने वाले लोग ने काफ़ी ज़्यादा खज्जल खुआर होंदे हुए देखे जा सकते हैं। लोगों दिया अखा दे विच काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, इस दे नाल ही साह लैण दे विच भी काफ़ी ज़्यादा औखाई का सामना करना पै रहा। दस दिए कि डंपिंग यार्ड तो अग दियाँ लपटा ते धुएं का गुब्बार जिहड़ा निकलता हुआ देखा जा सकता सी। जिस वेले फायर विभाग को इस बारे जानकारी मिली तो उस वेले फायर ब्रिगेड दियाँ लगभग 10 गड्डियां जिहड़ियां ने मौके ते पहुंचियां ते कारणां दी जेकर गल की जाए तो गर्म तो खुश्क मौसम होने के कारण डंप के विच अग लग गई। तो दस दिए कि जेडे अधिकारी ने उन्होंने कहना है कि गिला कबाड़ दबे होने के कारण हीट जी काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाती है, गैस बनती है, जिस दे नाल अग लग चुकी है। हालांकि मौके के उपर कोई भी जानी नुकसान तो नहीं होया, पर नेड़े दे इलाका वासी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंदे हुए देखे जा सकते हैं। अखां दे विच उन्हां दे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, इस दे नाल ही साह लैण दे विच भी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है, जिस दे मगरों लोकां दे वल्लों सरकार इस दे नाल ही प्रशासन दे उपर लापरवाही दे आरोप लगाए जा रहे हैं। गल की जाए तो फायर ब्रिगेड विभाग के वलों इलाके की घेराबंदी भी जी कर दी गई है, तो दूजे पास जेडे कुछ इलाका वासी ने उन्हों का कहना है कि सरकार का ध्यान महज चोणां दे उपर है, उन्होंने वाल किसी के वलों भी ध्यान नहीं दिता जा रहा। तो विरोधियों के वलों भी लगातार ही सवाल चके जा रहे ने, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के वलों वादा किया गया सी कि साइट खाली करवा दी जाएगी, पर साइट तो खाली की करवानी, सांभ संभाल भी जी है सही ढंग के नाल नहीं की जा रही। तो बीती शाम तो ही दिल्ली के गाजीपुर विखे लैंडफिल साइट के उपर भयानक अग लगी हुई है, तो मौजूदा समय के भी इस उपर काबू पाने की लगातार ही फायर विभाग के वलों कोशिश की जा रही है। तस्वीरां सामने तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे? और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है, मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है, इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस पे है, जब तक वो हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। लोगों को खासी परेशानी है, आसपास की कॉलोनीज में लोग कह रहे हैं साफ देखने में दिक्कत है। मैं खुद ही यहाँ रहता हूँ जी, मयूरविहार में, मुझे मालूम है लोगों को क्या परेशानी है। आंखों में जलन है, सांस की बीमारी बढ़ गई है, धुआं इतना आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना, और इसमें भी कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें मिली। यहाँ के आसपास के मयूरविहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूरविहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे, एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। अथॉरिटी और आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि प्राकृतिक कारणों से लगी है बीजेपी खामखा राजनीति। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। कैसे छुटकारा मिलेगा आसपास के लोगों को? देखिए इसके